नमस्कार, वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर YouTube का सर्वर बुधवार को डाउन हुआ। विश्व भर के यूजर्स के लिए YouTube काम नहीं कर रहा था। YouTube ऐप और डेस्कटॉप यूजर्स दोनों शिकायत कर रहे थे। हालांकि YouTube प्रशासन ने पुष्टि की है कि समस्या को ठीक कर दिया गया है। इस लोकप्रिय ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बयान में कहा, हम पिछले घंटे के भीतर YouTube सर्विस तक पहुंचने में कठिनाइयों के बारे में रिपोर्ट देख रहे थे। हम पुष्टि कर सकते हैं कि यह अब ठीक हो गया है। नारदा सिंह ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि केस को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका में CBI ने मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाया है। CBI ने इसके अलावा याचिका में कानून मंत्री मलय घटक और TMC सांसद कल्याण बनर्जी का भी नाम लिया है। बता दें कि नारदा सिंह ऑपरेशन के मामले में CBI ने तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों और 1 विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक CBI कार्यालय में धरने पर बैठी रही, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेर रखा। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास के धार्मिक एवं इस्लामिक मामलों के सलाहकार महमूद अल हब्बास ने कहा कि गाजा पट्टी में मौजूदा सशस्त्र टकराव किसी बिंदु पर रुक जाएगा, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दे के पूरी तरह से सुलझने तक यह बार बार शुरू होता रहेगा। फिलिस्तीनी मुख्य न्यायाधीश अल हब्बास के अनुसार वर्षों से चल रहे फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे को समाप्त करना है। यरूशलेम को राजधानी के साथ फिलिस्तीन को स्वतंत्र संप्रभु देश की मान्यता भी देनी होगी। कोरोना की चर्चित दवा 2DG की लॉन्चिंग का अवसर मिर्जापुर के लोगों के लिए एक यादगार पल बन गया। रक्षा मंत्री और उनके शिष्य दवा वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र का संबंध मिर्जापुर में एक शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहा है। डॉक्टर मिश्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिर्जापुर के बी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाया था। उस समय के प्राध्यापक और छात्र रहे लोग भी इस अवसर पर गौरवान्वित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने उस बयान को लेकर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दवा कंपनियों को प्रोडक्शन की अनुमति दी जानी चाहिए और यह काम 10-15 दिनों में हो सकता है। इस बयान पर सफाई देते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार पहले से ही 12 अलग अलग प्लांट या कंपनियों के जरिए वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है और सरकार के इन प्रयासों के जरिए निकट भविष्य में वैक्सीन उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डाल दिया है, जिससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को यहां विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने मेहनतकश किसानों से आपदा के समय पर 20,000 करोड़ रुपये खाद की कीमतें बढ़ाकर लूट को अंजाम दिया है और वह खेती को बर्बाद करने पर तुली है। पंजाब में रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फेकबस्टर नामक एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है, जो बिना किसी की जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे धोखेबाजों की न केवल पहचान करता है, बल्कि किसी को बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर चेहरों में किए गए हेरफेर का भी पता लगा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के वीडियो में हेराफेरी की गई है या फिर धोखा दिया गया है, यह भी इससे पता चलता है। सिंगापुर में कोरोना वायरस के कथित नए स्ट्रेन के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद सियासत और तेज हो गई है। सिंगापुर की आपत्ति के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि गैर जिम्मेदारा बयान से दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल जी ने 2 चीज़ों की बात की, सिंगापुर के स्ट्रेन की और बच्चों की। केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता हुई और केजरीवाल जी को बच्चों की। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान COVID-19 के 3,272 नए मामले सामने आए और 107 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सभी जिला मुख्यालयों से एकत्र किए गए विवरण के मुताबिक क्षेत्र के 8 जिलों में से लातूर सबसे अधिक प्रभावित रहा।
जहां संक्रमण के 402 नए मामले सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद औरंगाबाद में 568 नए मामले दर्ज किए गए और 18 व्यक्तियों की मौत हुई, जबकि बीड में 1183 संक्रमित हुए। दिया और बाती हम में संध्या के रोल के लिए पहचानी जाने वाली टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका सिंह को मुंबई में चक्रवाती तूफान के कारण उखड़े एक पेड़ के साथ तस्वीरें खिंचवाने के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। दीपिका ने शहर में भारी बारिश के बीच प्रिंटेड ड्रेस पहने और उखड़े पेड़ के साथ पोज देते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की। तस्वीरें उनके पति रोहित राज गोयल ने क्लिक की थी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर ट्रोल किया और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।